थाना क्षेत्र में दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार है। क्या आपका पूरा मामला है? ये थाना कर्नलगंज में दो अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से टोटल 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि जहां ये भीड़भाड़ क्षेत्र हैं, जहां ये पार्किंग की सुविधा है नहीं, जहां ये रोड की आसपास जगह पर गाड़ियां पार्क करते हैं, इन्हीं गाड़ियों को टारगेट करते थे। वो ये गाड़ियों चोरी करने के बाद जो पर्सनल जिन जिन का पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जो हमारा गाड़ी का ज़रूरत है, इसको ये 3,000-4,000 में बेचते थे। इसका कोई कबाड़ी के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ये केवल केवल जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है इन्हीं लोगों को बेचते थे। इसका सरगना कौन है और क्या अभी फरार, उसकी गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें दो अभियुक्त अभी गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम आनंद शुक्ला है, जिसका ऑलरेडी 2019 में एक NDPS केस में वो जेल जा चुके हैं, और एक पवन मिश्रा है। इसमें तीसरा अभियुक्त है महेंद्र कुमार दुबे। ये पवन कुमार शुक्ला के स्टेटमेंट के हिसाब से ये अधिवक्ता के काम करते हैं, ये अभी फरार हैं। हमारे द्वारा ये पाया गया है कि 2015 में नवाबगंज थाना क्षेत्र से भी एक मुकदमा में ये वांछित भी हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए अलग से टीम भेजकर ये आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।